नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। हम आप लोगों के साथ एक श्रृंखला साझा कर रहे थे और निरंतरता से उसके अंदर खंड दर खंड, एक के बाद एक, पुनः एक नया खंड, एक नए ग्रह के ऊपर आप लोगों के साथ अपने अनुभव और शास्त्र संवत क्या कहा गया है उसके अनुसार आप लोगों से साझा कर रहे हैं। सूर्यफल अध्याय, शनि फल अध्याय, मंगल फल अध्याय, बुध फल अध्याय, बृहस्पति फल अध्याय तक हमने आप लोगों के साथ साझा किया। ग्रह के दो प्रकार के फल देखने को प्राप्त हो रहे हैं। पहला फल ग्रह का किसी राशि में बैठना, दूसरा फल ग्रह नवांश स्थिति में किस प्रकार से अपने नवांश को बदल रहा है, अर्थात वह नक्षत्र के किस पद में है तो किस नवांश में होगा, उससे थोड़ी भिन्नता जरूर आ जाती है। आज की चर्चा शुक्र, भृगु, भार्गव, शुक्र ग्रह जिसको तारा भी कहा जाता है, नीच हो तो उसके क्या फल रहेंगे, साथ ही यदि शुक्र पत्रिका के अंदर नीच में है तो उसके परिहार उपाय या नीचत्व होने के बावजूद, नीचत्व होने के साथ साथ ही कैसे उसके लाभ लेने चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा आरंभ कर रहे हैं। खंड का आरंभ करते हैं कि शुक्र के मूलतः फल नीच राशि में क्या देखे गए हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, अनुभव क्या कह रहे हैं। शास्त्र इसको कहता है दूसरे के भरोसे जीवन बिताने वाला, क्योंकि शुक्र प्रजनन और क्रिया का स्वामी है, जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा छुपी हुई है उसका स्वामी है, संरचनाओं का, क्रियात्मक गतिविधियों का स्वामी है। इसलिए अगर ये नीच अवस्था में है तो इस कारण से ऋषि वाक्य ने ये कहा कि ये दूसरों के भरोसे जीवन बिताने वाला होता है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि ऐसे लोग कोई भी कार्य करने के लिए खुद से उसकी प्राथमिकता लेना और खुद ही सबसे सर्वप्रथम उस कार्य को चालू आरंभ करने में थोड़ा पीछे रहेंगे। हाँ, दूसरा अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके साथ ये लोग संलग्न हो जाएंगे। किंतु रति प्रिय, शास्त्र इसको रति प्रिय कह रहा है, प्रणय प्रिय या वासना प्रिय इसने नहीं बोला है। इसको रति प्रिय का अर्थ जो यहां है वो जीवन साथी के साथ आनंद के क्षण बिताने का है या अपने जीवन साथी के अंतरंग संबंधों में पूरे तरीके से निष्ठावान होने का है, ये रति प्रिय का अर्थ हुआ। किंतु साथी का है संकुचित हृदय वाला, यहाँ कोई भौगोलिक हृदय के आकार का छोटा होना नहीं है बल्कि संकुचित हृदय होने वाला। ऐसे लोग जैसे कहा जाता है ये बड़े व्यक्ति हैं, बड़े दिल वाले हैं, यहाँ ये संकुचित होते हैं, इनका दायरा सीमित होता है कि मुझे क्या लाभ मिलेगा एवं मैं इस कार्य को करूँगा तो मेरे या मेरे निजित्व को क्या लाभ मिलेगा, तो ये बहुत बड़े हृदय के नहीं हो सकते हैं। किंतु विधि को जानने वाला, विधि अर्थात कानून नियम, उसको जानता है ये किस प्रकार से काम करने चाहिए, क्या लाभ होगा उसके अंदर स्वयं के लिए, इसको ये जानता है। मधुर वाणी बोलने वाला, साथ ही इसमें बोला है कि इसकी वाणी मधुर होती है, अपनी बातों से सम्मोहित कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, अति चतुर और क्लेवर,
चतुराई क्लेवरिटी इसके अंदर बहुत होती है, ये अपना हित साधना जानता है। ऐसा क्यों शास्त्र कह रहा है? क्यों? क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है और वो भौतिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली राशि है। तो शुक्र जब उसमें होंगे तो आर्थिक गतिविधियां भौतिक गतिविधियों के अंदर तो ये रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी जगह शास्त्र में कहा इसके कर्म अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि इनके जो कार्य हैं उससे लोग इतने संतुष्ट ना हों, लेकिन एक शब्द में इसको नहीं व्याख्या की जा सकती। हो सकता है जन्मांक के अंदर दशम स्थान के स्वामी अच्छे स्थिति में बैठे हों तो कर्म अच्छे अपने आप ही हो जाएंगे, किंतु हो सकता है कार्यशैली, कार्य करने के तरीके में, उसकी शैली में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। कौतुकी इसको कहा है, अर्थात ऐसे व्यक्ति बड़े आश्चर्यजनक काम कर देते हैं, कौतुक दिखाने वाले, प्रसन्न और सदैव ही इनके ललाट पर, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। उत्तम वचन बोलने वाला, जैसे पीछे भी आया, अच्छे बातें बोलने वाला। राजकीय कार्यों में प्रवीण होता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो राजकीय कार्यों में प्रवीण कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज का बदलाव हुआ बहुत सारे कार्य अब राजकीय ना है ओके निजी स्वामित्व के अंदर हैं, तो कोई बड़ी इकाई के अंदर भी इसके व्यवस्था के गुण, मैनेजमेंट के गुण बहुत ही अच्छे होते हैं। लक्ष्मीवान पैसे वाला होता है, यद्यपि शुक्र नीच के उसके बावजूद भी पैसे वाला होता है। सुशोभित और अपने वस्त्र को आदि को इस प्रकार से पहनना जानता है कि उससे ये सुंदर दिखाई दे, किंतु साथ ही कम बोलने वाला, या ये कहें सीमित शब्दों में ही अपनी बात पूरी कर देने वाला, ये इसके अर्थ नीचत्व शुक्र के अर्थ कहे गए हैं। भिन्नता क्यों आ रही है समझना चाहिए। शुक्र कन्या राशि में 30 अंश की राशि के अंदर जहाँ नीच के हैं पूरी राशि में, उसके विभिन्न नवांश बनेंगे। कन्या के लगभग जो शुरुआत के 10 अंश हैं उसमें ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और नवांश में इसकी गणना मकर से आरंभ होगी। तो ऐसा अनुमान प्रतीत हुआ सूक्ष्मता से देखने की कि कन्या राशि में अगर 6 अंश 40 कला से लेके 10 अंश तक हैं तो काफ़ी उत्तम है, उसके उपरांत उत्तम है, किंतु 27 अंश के आसपास इसके फल बड़े विचित्र मिलते हैं और 20 अंश के आसपास इसके फल काफी नेष्ट मिलते हैं, नीचे चले जाते हैं। शुक्र के नीच राशि फल परिणाम आप लोगों के साथ साझा किए। शुक्र जीवन में आनंद के प्रतीक हैं, साथ ही शुक्र धन को, यहाँ मौद्रिक धन बोल रहा हूँ मैं, मुद्रा को किस प्रकार से व्यय करना है और उससे आनंद कैसे लेना, उसके प्रतीक ग्रह बताए गए हैं। 3 उपाय इसमें विशेषता से और 1 उपाय सामान्य बनता है जिससे शुक्र के नीच राशि के फल से खराबी उत्पन्न हो तो उससे बचा जाए। एक सामान्य उपाय इसमें मिश्री को चींटियों के लिए डालने से शुक्र के कारक तत्वों में वृद्धि होती है। अब आ जाते हैं विशेष उपायों में। अगर कन्या राशि के अंदर शुक्र
दस अंशों तक विराजमान है, तो बिछोने का, चद्दर का, बिस्तर का, चारपाई का दान करने से शुक्र के नीच फल से हानि से बचाव होता है और लाभ प्राप्ति होती है। उसके उपरांत दस अंशों से लेके और हस्त नक्षत्र के अंदर पूरे में, अर्थात दस अंश से लेके और 23 अंश 20 कला तक जातक को किसी ऐसे कारीगर को जो हाथ से काम करने वाला हो, कलाकारी करने वाला हो, नक्काशी करने वाला हो, हुनरमंद हो, उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए, उसको उसके उपकरण भेंट करिए, जैसे आपको लगता है। उससे नीच के शुक्र के फलों में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अंतिम जो पीछे के बचे हुए अंश हैं, 23 के बाद के अंश, उसके अंदर ऐसे व्यक्ति को दान दें जो भवन निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात जो आर्किटेक्ट है, उसको कोई अगर दुर्लभ या ऐसा छात्र है जिसके पास पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा धन ना हो और वो भवन निर्माण की कला को सीख रहा हो, जैसे आर्किटेक्ट हुए, ड्राफ्टमैन हुए, या वास्तविक तौर पे ही जो भवन निर्माण के कारीगर हैं, उनको कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये 3 उपाय विशेष और 1 उपाय सामान्य, मिश्री का दान। शुक्र जीवन में आमोद प्रमोद आनंद को लेने वाले ग्रह हैं। जब शुक्र, जैसे कहा जाता है तारा डूब गया, विवाह कुछ देर के लिए नहीं होंगे, तो शुक्र वो तारा ही है, तो इसलिए प्रजनन संबंधी समस्याएं, हार्मोन संबंधी समस्याएं, जीवन के आनंद लेने के लिए सभी प्रकार से शुक्र के उपाय परिहार बहुत ही विशेष लाभकारी रहते हैं। एवं 13-14 वर्ष से ऊपर की कन्याएं और एक आयु खंड के बाद महिलाएं, अगर वो निर्धन हैं तो उनको यथासंभव यथाशक्ति दान करना चाहिए। और बहुत विशेष उपाय फिर जब अगले खंड बताएंगे तो उसमें जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे, राशि आधारित, नक्षत्र आधारित, कैसे बहुत विशेषता से, जटिलता से, प्रमाणिक तरीके से वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो जनमानस के लिए उपाय बन सकते हैं उतना है, आम व्यक्ति कैसे समझे कि उसकी पत्रिका के अंदर शुक्र पीड़ित है अथवा शुक्र अच्छी अवस्था में है। सब कुछ होने के बाद धन को व्यय करने का, खर्च करने का आनंद अगर व्यक्ति नहीं ले पा रहा है तो शुक्र पीड़ित है। ईश्वर ना करे घर के अंदर जो आपकी जीवन संगनी है उसको निरंतरता से कोई स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं, तो इसका मतलब शुक्र पीड़ित हो सकते हैं। या अक्सर यदा कदा आपके घर के, हमारे घर के, किसी के घर के अंदर भी जो शयन कक्ष है, अर्थात जहाँ व्यक्ति निद्रा लेता है, सोता है, अगर उसके अंदर त्रुटियां हैं, आपका चारपाई, आपका बेड, आपकी सोने की पोजीशंस में दिक्कतें रहती हैं, तो इसका मतलब शुक्र पीड़ित है। ये लाभकारी रहेगा जैसे ये उपाय बताए गए। विशेषता के लिए
अभी अगले खंड जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ पूरी चर्चा उसी से संबंधित रखेंगे कि बहुत विशेष उपाय भी क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही सच्चाई से कहूँ, सामान्य उपाय भी बहुत कार्य करते हैं, उतने ही कार्य करते हैं। विशेषता केवल ये है, जैसे मैंने पीछे भी बोला, कि अगर कोई मुझे मेरे नाम से संबोधित करे, सुनील, और मेरे आसपास कई सारे लोग हों जिनके नाम में कुदरती सुनील ही हो, तो बहुत सारे लोग पलट के देखेंगे। लेकिन जब वो मेरे गोत्र के साथ मेरे नाम का उच्चारण करे तो संख्या सीमित हो जाएगी। सुनील कौशिक कहेंगे और संख्या सीमित हो जाएगी। जब वो सुनील कौशिक के साथ, मान लीजिए, और मेरी कोई विशेषज्ञता है तो उसको भी संबोधित करे, तो बहुत धीरे धीरे हम नज़दीक पहुंच जाएंगे, समीप पहुंच जाएंगे उसी व्यक्ति के जिससे हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब विशेष जन्मांक को देखा जाएगा और धीरे धीरे सटीकता से, प्रामाणिकता से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो हमें ईश्वरीय आशीर्वाद से सलाह परामर्श अवश्य ही प्राप्त होता है और उचित मार्गदर्शन मिलता है। एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, प्रच्छक जो पूछने वाला है, आगंतुक जो पूछने वाला है, शायद वो, हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, कि वो ऐसा सोच के आते हों या ऐसा समझते हों कि किसी देवज्ञ से, ज्योतिषी से हम परामर्श लेंगे और जीवन बदल जाएगा। अपने निजी अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूँ, ऐसा लगभग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपका भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य बदलना आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, काम करने की पद्धति, उसके ऊपर निरंतरता से काम करना ही भाग्य परिवर्तन का सूचक होता है, ना कि कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल सकता है। हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे ज्योतिष मित्रों के अंदर ऐसा विशेष गुण हो कि वो लोगों का भाग्य बदल सकते हों, लेकिन मेरी योग्यताएं केवल परामर्श तक सीमित हैं। हम आपको परामर्श दे सकते हैं और उस परामर्श के अनुसार आप उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, खंड अच्छा लगे तो आप उसे देखें और शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी खंड को YouTube के ऊपर, YouTube से फिर Facebook के माध्यम से भी आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। धीरे धीरे चर्चाओं को निरंतरता से बना के रखेंगे। इस बार के होली के ऊपर बहुत विशेष उपाय, जिसके कारण से कई बार बनते हुए कार्यों में रुकावट आती है। लोग, जनमानस ये समझता है, पूछता है कि ऐसा क्या है कि मैं कार्य करना चाह रहा हूँ और अचानक से सारा बनता बनता काम दिक्कत में आ जाता है। उसके ज्योतिषीय योग क्या हैं और कैसे उसमें हम उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि दीपावली देव पूजा है और होली का दैत्य दमन करने को, उसको नष्ट करने की पूजा है। होलिका के अंदर होलिका भक्त प्रहलाद को लेके बैठी, होलिका जल के भस्म हुई और प्रहलाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बच गए। तो यहाँ पे असुरी शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए उपासना की जाती है। दीपावली लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, प्राप्ति के लिए की जाती है। तो होलिका से पूर्व आप लोगों के लिए खंड बना के साझा करेंगे। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए।
ध्यान रखिए, इस पूरे संसार का वसुधरा ये सब हमारा परिवार ही है, ध्यान रखिए। त्रुटियों के लिए क्षमा, छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया।